स्टूडेंट्स है और यू अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। क्लाइमेट क्या होती है और अडेप्टेशन क्या होती है। क्लाइमेट हैज़ प्रोफाउंड अफेक्ट ऑन ऑल लिविंग बींग। जो क्लाइमेट है वो सभी जीवों पर पिया करती है, बहुत अच्छा असर डालती है। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन कंडीशन इन विच दे लिव। जो एनिमल्स है वो जिस कंडीशन में रहने हैं वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। अडेप्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना या ढाल लेना। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट प्रोसेस स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। जो एनिमल्स क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड में रहते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, उनके पास स्पेशल फीचर होते हैं ताकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा हीट से बचा सके। फीचर्स एंड हैबिट दैट हेल्प एनिमल टू अडेप्ट देयर सराउंडिंग आर ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अवेल्युएशन। मतलब कोई भी एनिमल्स की जो फीचर्स है, मतलब उनके जो गुण है या उनकी जो हैबिट्स है, जो उनके अपने आसपास के वातावरण में रहने देती है, जो अपने आसपास के वातावरण में, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के वातावरण में रहते हैं, वो अवेल्युएशन का क्या रिजल्ट है। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। अब आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि जो वेदर और क्लाइमेट है वो मिट्टी पे कैसे असर डालती है। हेयर वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स। यहाँ पे सिर्फ हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास 6 में आपने पढ़ा था अबाउट अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टन हैबिटेट्स, कि जो जलवायु है वो उनके आवास पे कैसे असर डालती है। एज एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन of animals to climate condition, we discuss only animals living in the polar region and tropical rainforest. तो हमने देखा था कि adaptation के according जो animals है वो सिर्फ polar region में रह सकते हैं या फिर tropical rainforest में रह सकते हैं। As the name suggests, polar regions are situated near the poles. जो polar regions है वो कहाँ पे होते हैं, near the poles, means the north pole and the south pole. And some well known countries है जैसे जो polar region के पास है, जैसे कैनेडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, अलास्का, यूएसए एंड साइबेरिया रीजन ऑफ रशिया, ये सारे क्या पोलर रीजन के नज़दीक है। एंड सम ऑफ कंट्रीज वेयर ट्रॉपिकल, जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती है वो क्या है, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजर, यहाँ पे क्या होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के जो के एनिमल्स हैं वो रहते हैं, वो अपने आप को उस वातावरण के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डू द टॉपिक द पोलर रीजन ऑफ चैप्टर नंबर 7। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पोलर रीजन्स में एनिमल्स रहते हैं, द हाउ दे अडेप्ट टू क्लाइमेट, वो अपने क्लाइमेट से कैसे अडेप्ट होते हैं, मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे चेंज कर लेते हैं। द पोलर रीजन प्रेजेंट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट, जो पोलर रीजन है वो हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट देता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। देयर रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ जो रीजन है वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है साल के बहुत ज़्यादा महीनों में, मतलब फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स। 6 महीने सन पोल्स पे सन सेट नहीं होता, मतलब वाइल फॉर द अदर 6 मंथ द सन डज नॉट राइज, बल्कि अगले 6 महीने जो सन है वो राइज नहीं होता, मतलब आधा साल वहाँ पे सूरज की रोशनी होती है और आधा साल वहाँ पे अंधेरा होता है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी स्लो एज -37°C। सर्दियों में उनका जो टेम्परेचर है वो -37°C तक चला जाता है। एनिमल लिविंग हेयर देयर हैव अडेप्टेड टू दी सर्व कंडीशन, वहाँ पे जो एनिमल रहते हैं वो अपने आप को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। Let us how see they are adapted by conditions, considering the example of polar bear and penguin. चलो हम इनकी देखते हैं polar bear और penguins की help के कि वे अपने आप को कैसे adapt करते हैं। Polar bears have white fur so that they not easily visible in the snowy white background. जो polar bears होते हैं उनके पास क्या होते हैं, white color, क्या देखो यहाँ पे white color की fur है, इसलिए वो जो उनके background अगर बर्फ़ है तो वहाँ पे वो नज़र नहीं आते। इट प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द दे कैचिंग प्रीडेटर्स, ये वाइट फर कलर उनके शिकार से बचाती है। इट ऑल्सो हेल्प दैम इन कैचिंग दैम प्रे, ये उनको अपना शिकार पकड़ने को भी हेल्प करती है। टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फ्रॉम, बहुत ज़्यादा ठंड से बचने के लिए इनके पास 2 लेयर्स होती है फर की।
मोटी लेयर्स होती है फर की, दे आल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, उसके स्किन के अंदर एक चर्बी की लेयर भी होती है. इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड. ये अपने आप को इतना वेल इंसुलेट करते हैं कि ये धीरे धीरे चलते हैं और थोड़ी देर बाद रेस्ट कर लेते हैं ताकि ये अपने इनको गर्मी ना लगे, इनको ज़्यादा गर्म ना हो. फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेटिंग कूलिंग, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है मतलब हम जो शारीरिक काम करते हैं गर्मी के दिनों में उनको कूलिंग कूल करती है. सो पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग, इसलिए जो पोलर बियर है वो स्विमिंग के लिए जाते हैं. सो इट इज़ गुड स्विमर, क्योंकि इसलिए गुड स्विमर होता है. इट पाज आर वाइड एंड लार्ज, उनके जो पंजे हैं वो चौड़े और बड़े होते हैं. विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम बट वेल बट आल्सो वॉक एज इज दिन सो, ये उनके जो चौड़े पंजे उनको तैरने में भी हेल्प करते हैं, उसके साथ साथ बर्फ में इनको आसानी से चलने में भी हेल्प करते हैं. वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, जब वो पानी में तैरते हैं इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तो वो पानी में जब वो स्विमिंग करने के लिए चल रहते हैं तो अपने नाकों को बंद कर लेते हैं और पानी के अंदर वो लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब कई घंटों तक रह सकते हैं. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उनकी स्मेल करने की जो सेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो दैट इट कैन इट स्प्रे फॉर फूड, इसलिए वो अपना खाने के लिए जो उनका शिकार है वो पकड़ लेते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, आप फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ सकते हो. देखो यहाँ पे जैसे पोलर बियर है, सबसे पहला क्या लिखा है, द वाइट फर इज नॉट ईजली विजिबल, ये जो वाइट फर है उनको ईजली विजिबल नहीं होती इन द स्नोनी बैकग्राउंड. जो प्रीडेटर्स एंड प्रे अनएबल टू सी, जो शिकारी और जो शिकार है उनको आसानी से नहीं देख सकता. इट हैज़ टू थिक लेयर्स ऑफ फर, इसके ऊपर दो लेयर्स फर की दो थिक लेयर्स होती है. जो फर की लेयर है उसको दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड, जो उनको ठंडे मौसम में गर्म रखने में मदद करती है. इट हैज़ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, इसकी बॉडी के अंदर क्या होती है, फैट की स्किन के अंदर फैट की लेयर होती है. द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट्स वार्म, जो फैट की लेयर है इसकी बॉडी को ठंड से बचाती है और इसे गर्म रखती है. इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसकी जो स्मेल ऑफ सेंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. विच हेल्प टू बियर लोकेट एंड कैच इज प्रे, जो बियर को अपना शिकार ढूंढने और उसे पकड़ने में मदद करती है. इट हैज़ स्ट्रॉन्ग कवर्ड शार्प पास, उसके जो पंजे वो बहुत ज़्यादा लोमड़े और चौड़े होते हैं. इट हेल्प टू वॉक ऑन आइस, जो उसे आइस पे चलने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. तो इस तरह जो पोलर बियर है वो ठंड में अपने आप को क्या कर लेता है, ढा लेता है. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पोलर रीजन में नेक्स्ट एग्जांपल पेंगुइन की, कि जो पेंगुइन है वो अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं. आपने पेंगुइन्स देखे होंगे, आपने न्यूज़पेपर में टीवी में तो आपने ऐसे पेंगुइन्स देखे होंगे, ये कहाँ रहते हैं, पोलर रीजन्स में रहते हैं. तो इट हैज़ आल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद वाइट बैकग्राउंड, इनकी जो फर है वो भी वाइट कलर की होती है. जो वाइट बैकग्राउंड मीन्स जो स्नो में क्या कर जाती है, मर्ज होती है. इट आल्सो हैव ए थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, इनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा चर्बी होती है जो इसे ठंड से बचाती है. यू हैव आल्सो सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल टुगेदर, आपने देखा होगा जो पेंगुइन्स है वो हमेशा इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं. दिस दे ड्यू टू कीमा, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो गर्म रहे, मतलब उनको ज़्यादा ठंड ना लगे. रिकॉल हाउ यू वार्म यू फील व्हेन यू हाफ फुल ऑफ पीपल, आपने देखा होगा कि आपको देखो कैसे गर्मी लगती है, जब बहुत ज़्यादा क्राउड हो तो हमें क्या गर्मी लगनी शुरू हो जाती है. वैसे ही जो पेंगुइन्स है वो इकट्ठे रहते हैं ताकि उनको गर्मी लगे, मतलब वो ठंड से बच सके. अब आप यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, जो पेंगुइन्स है उसके फीट देखो कितने चौड़े चौड़े हैं. लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर आल्सो गुड स्विमर, जो पोलर बियर की तरह पेंगुइन्स भी क्या होते हैं, गुड स्विमर होते हैं. देयर बॉडीज आर स्ट्रीम लाइन एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर, उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीम लाइन होती है और उनके जो पैर है वो इसी तरह गद्देदार होते हैं ताकि वो और ये उसे अच्छे स्विमर बनाते हैं. अदर एनिमल्स लिव इन पोलर रीजन्स आर मैनी ऑफ फिशिज, मस्क ऑक्सन रेंडियर्स फॉक्सेस सील्स व्हेल्स एंड बर्ड्स. तो और तो किस तरह के एनिमल्स पोलर बियर पे रहते हैं, जैसे फिशेज है बहुत तरह की, मक्स ऑक्सन है, रेंडियर्स है, फॉक्सेस है, सील्स है, व्हेल्स है, बर्ड्स है. इट आल्सो नोट दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट आल्सो रिमेन वाटर
वार्म टू सर्वाइव, मतलब यहाँ पे जैसे हम ये भी नोट किया गया जैसे जो फिश है वो ठंडे पानी में काफ़ी देर तक रह सकती है, उसी तरह जो बर्ड्स हैं वो भी अपने आप को इस ठंडे रीजन में गर्म रखते हैं। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन वैन विंटर सेट, जो वो गर्म जगह पे चले जाते हैं जब यहाँ पे ठंड होनी शुरू हो जाती है। दे कम बैक आफ्टर वैन द विंटर इज ओवर, ये वापस तब आ जाते हैं जब सर्दी खत्म हो जाती है। यू नो प्रॉब्ली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी दिस बर्ड, आपने कभी देखा होगा जो इंडिया है ये सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है इन ऐसे तरह के बर्ड्स के लिए। यू हैव ऑल्सो सीन हियर अबाउट द साइबेरियन क्रेन विच कम्स फ्रॉम द साइबेरिया टू प्लेस लाइक भारतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। आपने साइबेरिया क्रेन के बारे में सुना होगा जो साइबेरिया से आता है, ठीक है, वो कहाँ पे रहता है, कहाँ पे आता है, राजस्थान के भारतपुर में, हरियाणा के सुल्तानपुर में और नॉर्थ इंडिया में, ताकि ये तब आते हैं जहाँ यहाँ पे गर्मी होती है, जब पोलर रीजन्स पे सर्दी खत्म हो जाती है ये वापस चले जाते हैं।